नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शोएब अख्तर की वहां के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल पीटीवी पर लाइव इंसल्ट किए जाने की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। पीटीवी के होस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नोमान नियाज ने शोएब पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया और शो छोड़कर चले जाने के लिए कहा। उसके बाद शोएब ने पीटीवी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया। अब इस बारे में जानकारी सामने आ रही है कि पहले पूरे मामले को ड्रामा साबित करने की कोशिश हुई, लेकिन शोएब इस बात पर अड़ गए कि डॉक्टर नियाज पहले माफी मांगे। Lahore Qalandar and PDB program, Players Development Program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Harris Row. Yeah, Harris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the world, right? Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. Yeah. I was building a case against, not against you, about Harris Trophy. Okay. That was a find of Lahore Qalandar. Yeah, of course. It was not find of under 19. No, that was Shaheen Shah Afridi. Okay. Yeah. We got that clear? Yeah, it's very clear. Just have a big smile. Well, have a big smile. Are you moving? Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. It's okay. Just continue. All right. दूसरी चीज ये है कि let's move forward here. You just give an answer. Okay. दोस्तों, यह समस्या तब पैदा हुई जब अख्तर ने डॉक्टर नियाज के सवाल पर ध्यान नहीं दिया और तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स और उसके कोच आकिब जावेद की भी बात की। अख्तर का कहना है कि आकिब जावेद ने ही हारिस रऊफ को खोजा और उनके टैलेंट को तराशा है। इस पर डॉक्टर नियाज नाराज हो गए। उन्होंने शोएब से कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप चाहें तो शो छोड़कर जा भी सकते हैं। दोस्तों, मामला बिगड़ता देख आसपास मौजूद बाकी के गेस्ट और पीटीवी क्रू ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों इसके लिए बाद में तैयार भी हुए और ये कहते भी दिखे कि वे आपसी सहमति से टीआरपी के लिए एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। समझौते की कोशिश के बाद शोएब ने डॉक्टर नियाज से कहा कि एक बार ऑन एयर सॉरी बोल दें और इसके बाद शो जारी रखें, लेकिन डॉक्टर नियाज इसके लिए राजी नहीं हुए और शो को बिना सॉरी कहे दोबारा से शुरू कर दिया। इस पर शोएब नाराज हो गए और सबके सामने लाइव टीवी पर इस्तीफा दे दिया। आपको बताएं दोस्तों कि डॉक्टर नोमान नियाज और शोएब अख्तर अपना अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। डॉक्टर नियाज पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ के साथ मिलकर कॉट बिहाइंड नाम का चैनल चलाते हैं, वहीं शोएब अख्तर अपने नाम से ही यूट्यूब चैनल चलाते हैं। दोनों एक दूसरे के चैनल पर कई बार दिखाई भी दिए हैं। खैर दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।